सस्यकार अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उपासना मैजिक वुमन चैनल एंड उपासना की मैजिक वुमन चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने आ गई एक नया अनोखा रेसिपी लेके। और उस रेसिपी चलिए उस रेसिपी को जल्दी देख लेते हैं। और मेरा रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गोभी की जो डांटे होती है, मतलब गोभी निकलने के बाद जो डांटे होती है उसका एक आलू कद्दू वाली सब्जी, वो भी मस्टर्ड के साथ एवं विदाउट ऑनियन विदाउट टमाटर विदाउट जिंजर एंड गार्लिक। सब्जी को हम बना सकते हैं और गर्मा गर्म चावल और रोटी के साथ इसका मजा ले सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते होते हैं तो हमें लगता है कुछ भी चीज फेंकना नहीं चाहिए, कुछ भी चीज खराब नहीं करना चाहिए, बस नहीं करना चाहिए क्योंकि सबका इस्तेमाल होता है। ये ज्यादा वक्त हो गया तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी का जो डांटे है उसकी सब्जी। हम लोग जब गोभी को निकाल लेते हैं ना तो उसका उससे बहुत सारा डांटा निकलता है, तो वो वाला डांटा का बहुत अच्छा एक सब्जी बनती है। और वो सब्जी बनाने के लिए सिर्फ डांटा ही गोभी का डांटा को मैंने पतला पतला करके कटिंग कर लिया है। आप चाहे तो ये वाला डांटा को थोड़ा सा बॉईल भी कर सकते हैं, उसके साथ हमको लगेगा थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ पंपकिन, लगेगा थोड़ा सा स्लिटेड ग्रीन चिली और लगेगा थोड़ा सा आलू। आलू थोड़ा सा काला पड़ गया है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसको काट के रखा है, जब भी हम धोएंगे ये सफ़ेद हो जाएगा। तो ये वाला जो सब्जी बनेगा इसके लिए एक चकना की तैयार करने पड़ती है। तो चकना के लिए टेस्ट के लिए हमें चाहिए मस्टर्ड का पेस्ट। इधर देखिए मैंने व्हाइट मस्टर्ड और ब्लैक मस्टर्ड दोनों मिला के भिगा है और लगेगा थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोकोनट, थोड़ा सा हल्का सा कोकोनट डालो तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बिना इसके अंदर जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली कुछ भी यूज नहीं होगा। तो देर की इस बात की चलिए बेंगाल स्पेशल ये फूलगोभी डाटा चौचुरी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले हमको पैन को गर्म करना होगा, पैन को अच्छे से गर्म करते हैं, तब तक हम चलिए ये वाला जो सब्जियाँ है इसको अच्छे से धो लेते हैं। तो देखिए पैन तो हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्का सा तेल, हल्का सा हम इसके अंदर डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और जब तक तेल गर्म हो हम इसके अंदर थोड़ा सा राई डालेंगे। जैसे राई से खाना बनेगा तो तड़का में भी राई डालेंगे और थोड़ा सा राई डालेंगे, राई को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। टेम्परेचर को मैंने हाई कर दिया, पैन को यूज़
डाल के ज़्यादातर सब्जियाँ को पकाता नहीं है। अच्छा से इसको एक पक देना है। तभी हम आप लोगों को सर्विंग दिखाएंगे। तो देखिए इधर हमारा सब्जी ऑलमोस्ट बन के एकदम तैयार हो गया है और अच्छे से सूख भी गया है। हल्का सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे, हल्का सा इसका जलने की जो है कुछ बदबू ना आए। एकदम तैयार हो गया है सब्जी। और चलिए कर देते हैं इंडक्शन को ऑफ। इसके बाद गर्मा गर्म एक फूल गोभी की डांटे का सब्जी का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए इधर हमारा गर्मा गर्म गोभी की डांटे का सब्जी एकदम बनके तैयार है। कितनी अच्छे दिखने में हुई है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब होते हैं। इसके अंदर ना लगते हैं ऑनियन, ना लगते हैं टमाटर, ना लगते हैं कुछ भी ग्रीन चिली या कुछ भी अदरक लहसुन कुछ भी नहीं लगते, फिर भी ये रेसिपी एकदम लाजवाब है। आप भी इस रेसिपी को गर्मा गर्म राइस के साथ बना लीजिए और गर्मा गर्म सारे विंटर इसका मज़ा लीजिए। तो आज मेरा रेसिपी इतना तक ही, लौट के आऊँगी दूसरे रेसिपी के साथ। तब तक ले लिए मेरा साथ में रहिएगा, खुश रहिएगा, ठीक से रहिएगा, सेफ रहिएगा। स्टे सेफ, स्टे गुड, स्टे हैप्पी विद योर फैमिली। बाय। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उपासना मैजिक वुमन चैनल। एंड उपासना की मैजिक वुमन चैनल में मैं